हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी डोमिसाइल स्टेटस का जो मुद्दा है वो देखिए जोर पकड़ता जा रहा है। आसाम के कैंडिडेट्स के साथ ही वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा स्टेट जो है उनके कैंडिडेट्स, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें आगे आ रहे हैं कि ये जो है दूसरे स्टेट से कैंडिडेट्स आकर यहाँ पर हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी, ये सब हासिल कर लेते हैं और उससे हमारा कट ऑफ बढ़ जाता है। देखिए, हमारे संविधान के जो प्रावधान है उसमें कोई भी देश का नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस आधार पर बनेगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और जब से ये वीडियो बनाने लगे, देखिए पहले कुछ डायरेक्ट धमकियां भी मिली, तो कोई बात नहीं, उन धमकियों की परवाह नहीं करते हैं। और बाद में कुछ अनुरोध भी आए कि आप राजस्थान से हैं, आप भी ऐसा काम कर रहे हैं, इसमें कोई राजस्थान का भी लग रहा होगा। नहीं, हम तो इंडिया से हैं। देखिए, बात करते हैं कि हम इंडिया से हैं। हमारे देश में यही जो है प्रॉब्लम है कि कोई इंडिया से नहीं होता, कोई राजस्थान से है, कोई आसाम से है, कोई वेस्ट बंगाल से है। लेकिन एसएससी जीडी जो है वो ये गृह मंत्रालय का नियम है कि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिले उनकी जनसंख्या के आधार पर, और उस प्रतिनिधित्व का ही फायदा उठाया कि जब से ये भर्ती शुरू हुई, जब से शुरू नहीं हुई, उससे पहले से ही चल रहा था काम, लेकिन इस बार क्या बड़ी तादाद में हो गया। और बड़ी तादाद में हो गया, सब हर कोई जागरूक है कि कैसे इतना कट ऑफ बढ़ गया। राजस्थान का कट ऑफ तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद यूपी, बिहार, हमारा जो हरियाणा, इनका कट ऑफ जो जनरली ज्यादा रहता है, पढ़ाई का माहौल ज्यादा है, वैकेंसीज के तादाद में कैंडिडेट्स जो है भर्ती होने वाले वो ज्यादा हैं, और कुछ स्टेट में वैकेंसी भी खाली रह जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उस खाली वैकेंसी पर आप गलत प्रैक्टिस करके आप, यदि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स वहां निवास कर रहे हैं, आप निवास कर रहे हैं, आपने पढ़ाई वहां से किया है, सब कुछ किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमिसाइल स्टेटस का। त्रिपुरा के कैंडिडेट जो है वो भी लामबंद हो गए हैं। सर, आज हम लोगों ने हमारा सीएम सर से मुलाकात किया और 17 तारीख से जो मेडिकल होने वाला है, गेट के बाहर त्रिपुरा पुलिस मांगा है जो हर कैंडिडेट का वोटर कार्ड और राशन कार्ड चेक करेगा। ये देखिए, ये ऑर्डर त्रिपुरा में भी हो गया है। अब गेट के बाहर तो त्रिपुरा पुलिस का ही इलाका है, वहां पर त्रिपुरा पुलिस बिल्कुल चेक कर सकती है। गेट के अंदर केंद्र सरकार का इलाका आ जाता है और नोटिफिकेशन जो है उसमें राशन कार्ड और वोटर आईडी नहीं लिखा हुआ, वहां पर उसमें तो सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेट का है उनको भी, त्रिपुरा के कैंडिडेट तो इतने एडवांस है कि उन्होंने उनको चेक कर लिया, जो सबूत जुटा लिए सारे कि जो एड्रेस बताया है उस एड्रेस पर जाके चेक कर लिया, वहां पर उस नाम का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। सीएम सर ने हमारा बात भी मान लिया है, सर लेटर एक दो दिन में सर्कुलेट हो जाएगा तब आपको भेज दूंगा, आप इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनवा दो। और 38 कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट से हैं, हमने हर कैंडिडेट के एड्रेस पर जाकर वेरिफिकेशन किया और पता किया कि वो वहां रहता नहीं, तो एसडीएम को सीएम ने ऑर्डर किया कि जितने भी कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट का है सबका कैंडिडेट का रीवेरिफिकेशन करेगा और पीआरटीसी कैंसिल कर देगा। सर्टिफिकेट बना कैसे, बड़ी बात तो ये है, क्या उस सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वहां पे? रिकॉर्ड नहीं है तो आपको पहले भी एक वीडियो दिखाया था जिसमें मेघालय का एक सर्टिफिकेट कैंडिडेट को मिला, अब कैसे अरेंज किया वो जाने, कि अरेंज किया किसी एजेंट के थ्रू और भर्ती हो गए, उसके बाद सीआईएसएफ की तरफ से वेरिफिकेशन हुआ, उसमें वो डीएम ऑफिस से उसके बारे में कि ये हमारे यहाँ से नहीं जारी हुआ है, नहीं जारी हुआ है, सीआईएसएफ ने कैंडिडेट को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त कर दिया तो कैंडिडेट जाता है एजेंट के पास और उसको कहता है कि मेरा पैसा लौटा दो। एजेंट ने आधा पैसा ही लौटाया, आधा नहीं लौटाया, क्योंकि अब तो खर्च हो गया होगा पैसा, तो एजेंट के खिलाफ कैंडिडेट ने एफआईआर दर्ज करवा दिया। ये देखिए, ऑफिस ऑफ द एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
सदर, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट। एसडीएम भी गए थे और एसडीएम ने बोला सभी फेक डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करेगा, 2 दिन के अंदर जब आएगा तो वो लोग तो 100% पकड़ा जाएगा, 3 साल जेल और 1 लाख जुर्माना लगेगा। अब क्या करना है क्या नहीं करना, वो जो जिसका हक मारा जा रहा है वो खुद ही यहां पर लामबंद हो रहे हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अक्सर क्या होता है कि रिट पिटीशन फाइल होती है भर्ती पे, तो आरोप लगते रहते हैं, काफी समय से लग रहे हैं कि आप ये सब काम करते हैं, हम तो सिर्फ जागरूक करने का काम करते हैं। और रही बात वीडियो बनाने की, तो वीडियो बनाने का ही काम है हमारा, वीडियो तो बनेगा, आप जो कहेंगे, आप धमकी देंगे तो उसका भी बना देंगे, जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनका भी बना देंगे, जो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा भी वीडियो बना दो उनका भी बना देंगे, जिन्होंने ऑर्डर शेयर किया उसका भी बना दिया, जो कॉल पर धमकी देना चाहे उसका नंबर है वो एक मैसेज कर देना पहले कि मैं बात करूंगा और मैं धमकी दूंगा। पहले दिया था एक आईटीबीपी, एक साहब आईटीबीपी के, उनके बेटे ने, और उन साहब को कानून सिखा दिया हमने। तो कानून की जो बात है वो देखिए, मैं धमकी उमकी जो है उससे मैं नहीं डरता हूँ, और मैं 2007 से ये धमकियां देख रहा हूँ, कानून भी देख रहा हूं बहुत अच्छे से। और जहां तक बात आती है कि कोई लग रहा है, अब देखिए कि कोई लग रहा है वो चाहे कैसे भी लगे, कोई लग रहा है चाहे कैसे भी लगे, जो इस तरह से फ्रॉड करके लगेगा वो क्या भला कर देगा वहां जाकर, वो खुद आप समझ सकते हैं कि रोज वहां हनी ट्रैपिंग हो रही है, रोज वहां पर कैसे क्या हो रहा है हर चीज सबको पता है। तो दूसरे का हक मार कर हम ये काम करें, ये देखिए इससे बचना है, मेहनत कीजिए। यदि आपको आपका कट ऑफ ज्यादा रहता है तो आप भी मेहनत कीजिए, जिनका कट ऑफ कम रहता है तो ये थोड़ी है कि आप वहां का जो है गलत तरीके से सर्टिफिकेट हासिल करके और आप भर्ती देख लेंगे और आप भर्ती हो जाएंगे, भर्ती हो रखे हैं बहुत से लोग। और यदि ये ऐसा ही रहा तो उसकी भी जांच होगी, मैं बता देता कि जो हो रखे हैं उनको भी परेशानी उनके लिए भी हो सकती है। तो बने रहे चैनल के साथ, जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। आ मेडिकल टीम, आई स्पेशलिस्ट, एमडी फिजिशियन, एंड स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, gynecologist, female staff, for female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।